इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मणिपुर में बीजेपी की सरकार की मुसीबत बढ़ चुकी है। आपको बता दें, कोनराड संगमा की पार्टी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। बता दें, संगमा की पार्टी ने बीजेपी की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। पिछले कई सालों से मणिपुर में लगातार हिंसा का दौर जारी है। मणिपुर के लोग इस हिंसा से काफ़ी परेशान हैं। आपको बता दें, कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार पर कई बार हमला बोला है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी इस मामले पर सरकार पर निशाना साध चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मणिपुर में बीजेपी की सरकार की मुसीबत बढ़ चुकी है। बता दें कि कोनराड संगमा की पार्टी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। संगमा की पार्टी ने मणिपुर की बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है। पिछले कई सालों से मणिपुर में हिंसा जारी है। पूरे मणिपुर के लोग इस हिंसा से परेशान हैं। कांग्रेस समेत विपक्ष के कई नेताओं ने इस हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर कई बार हमला बोला है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी इस हमले को लेकर बीजेपी पर निशाना साध चुके हैं।